हाय गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग का तैयारी बहुत बहुत लेट हो रहा है क्योंकि हम लोग बिजी थे और अब चल रही है पूजा की तैयारी जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, ये है काला तिल, गुड़ और ये काले तिल का लड्डू है और वो थाली में आपको दिखाती हूँ। उसमें सारी पूजा का रखा है, मतलब उस थाली में जो भी चीज़ है उसकी पूजा होगी। और ये आ गया है गंजी 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 रतालू, देखिए। और ये है पूजा की थाली, इसमें दो पहाड़ और बाकी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं बाती है, पीड़िया बोलते हैं, पीड़िया पीड़ी बोलते हैं और पहाड़ हो गया। और ये पापा ने वापस से गुड़ मिला लिया है बिकॉज ये सफ़ेद तिल भुना जा रहा है, मम्मी सफ़ेद तिल भून रही है और इस सफ़ेद तिल को अभी उसी गुड़ में मिलाया जाएगा और फिर जैसे ही आपको काले तिल के लड्डू दिख रहे हैं ऐसे सफ़ेद तिल के लड्डू दिखेंगे। और हमने थोड़ी सी शूट नहीं की क्योंकि मैं अभी तक बाहर गया हुआ था, मैं घर पे सारा सामान वामान लेके आया तो अब इसको पापा बना रहे हैं, पापा मम्मी मिलके बना रहे हैं। और तो अभी हम आपको इस पूजा का वो बताएंगे, मम्मी थोड़ा बिजी हैं अभी तिल भूनने में तो मम्मी सुनाएंगे और उसके बाद रात में जो पूजा होती है, एक्चुअली पूजा चांद के निकलने पर होती है वो हम आपको पूरा तो जब चांद निकलेगा तो जैसी पूजा होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर अभी जैसी मम्मी आ जाए तो फिर इस पूजा का जो महत्व है और ये पूजा क्यों की जाती है एक छोटा सा हिंट देता हूँ मेरे लिए तो पर हाँ, तो मम्मी जब आएंगे तो हम उनसे अच्छे से बात करेंगे। और ये हमारी आलसी ग्राम, आप देख सकते हैं ये हमेशा सोती रहती हैं, ये सो रही है कुर्सी पे बैठी हुई, कुर्सी पे बैठ के सो रही हैं, सॉरी। और क्या हुआ पापा? और तो आज कुछ हुआ नहीं, तो बस अब यही है। अभी हम आपको जब सफ़ेद तिल निकल गया आएगा तो हम जो सफ़ेद तिल से लड्डू बनेंगे वो भी दिखाएंगे। देखिए, हमारा सफ़ेद तिल को गुड़ में मिला दिया, अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स होने के बाद जैसे हमने वो काले वाले लड्डू बनाए ना वैसे उसके भी बनेंगे। ये देखो, ये तिल को भून लिया है तो इसके वजह से बहुत गर्म है, लेकिन गर्म में ही लड्डू बनाना पड़ता है वरना ठंडा हो जाएगा तो कड़क होगा। मम्मी बता रही हैं ये क्या है, ये फेस्टिवल और क्यों मनाते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत है, ये पुत्रवती महिलाएं जो हैं इसको व्रत को रखती हैं अपने पुत्र की कामना के लिए, फिर यही लड्डू बनता है शकरकंदी, फिर रात में जब चंद्रमा निकल आती है तब फिर हम सब लोग पूजा करेंगे और चंद्रमा का अर्घ देंगे। तो जैसा आपने देखा कि ये उपवास लड़कों के लिए किया जाता है, पुत्र के लिए, और इसमें पूजा होगा। तो जैसे ही पूजा के लिए ना मम्मी एकदम अच्छे से रेडी वगैरह भी होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मम्मी रेडी हो रही है, फिर कैसे पूजा किया, सब कुछ दिखाऊंगी। तो बस ये लड्डू बन जाए और फिर चांद की हम लोग पूजा करेंगे। तो ये हमारा सफ़ेद तिल का भी लड्डू एकदम बढ़िया बन गया, यहाँ पे काला गंजी और सफ़ेद तिल सब रेडी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे येलो रात हो गई है और अब पूजा का टाइम हो गया है तो अब प्रिपरेशन चालू हो गई है। नॉर्मली तो मम्मी छत पे जाके पूजा करती है बट अब नहीं जाएंगे, उनका बहुत दुख रहा है हाथ पैर, तो यहाँ पर ही हम अपने बालकनी में ही करेंगे। तो ये जो हमारा छोटू मास्टर है ये बनाएंगे चौकोन, उसको क्या बोलते हैं, चौकी, चौकी कुछ भी, चौक पूजेंगे तो चौक पूजेंगे हम, वो आटे से बनेगा, वो हर शुभ काम में बनता है, जैसे शादी ब्याह में भी बनता है। तो अभी ये देखो, ये इतना प्रोफेशनली नहीं बनाना है। हाँ, तो एक्चुअली हमें एकदम बीच में बनाना है क्योंकि चारों तरफ मम्मी को ना घूमना रहेगा तो इस वजह से। ये देखो, ये चक्कर लेके खुद लग रहा है, हाय ठंडी है बाहर, वो इतनी शिद्दत से बनाया जा रहा है चौक। आ,
देखो भगवान जी के लिए एकदम डेडिकेशन से ये, और वैसे ही इनको काम करना भी चाहिए क्योंकि ये व्रत इनकी मम्मी ने इन्हीं के लिए रखा है, बेटों के लिए किया जाता है उनकी सलामती के लिए, तो इनको काम करना भी चाहिए। देखो ये भाई साहब का पोज एकदम वो नहीं है, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, किसने ये हम पे हरा रंग डाला, ये देखो माँ का प्यार, माँ का प्यार पीड़ा दिए लेके। तो हमारे लड्डू राम ढुड़कते हुए देखो कितना बढ़िया, एकदम स्किल लगा के एकदम स्ट्रेट लाइन। मम्मी ने मुझे अभी लाके स्टोल दिया क्योंकि बाहर ज़्यादा ठंडी है तो इसके लिए, और हम अब हम फिर से हमारे पति देव की कलाकृति को शूट करेंगे। फिर से एकदम डेडिकेशन के साथ हमारा पापा, देखो पापा उधर से बोल रहे हैं हे गाइस। देखो ये बेचारा इतना घसड़ घसड़ के बना रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पति देव की कलाकृति ने इतना सुंदर रूप लिया है अप्रतिम। फिर से डेडिकेशन के साथ बैठ गया, अच्छा आप इसको भी डबल कोटिंग करते हैं। तो ये देखो मेरे पति देव ने इतना प्यारा प्यारा बनाया है, ये देखो है ना कितना सही बनाया है, वेरी गुड। और अब हम शायद मम्मी भी रेडी हो रही होंगी, अब हम देखते हैं। मम्मी ने आज ये कलर की साड़ी पहनी है, बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे मम्मी बहुत ही सिंपल ही होती हैं, ये ज्यादा तैयार होता है। मेरी शक्ल से आपको देख के लगता है ऐसी इतना हैंडसम हूँ मैं, इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। क्या करूँ। तो मम्मी जब रेडी हो कहेंगे तो हम आपको मम्मी का लुक दिखाएंगे। इस शख्स को देखिए, ये नहीं हो रहा लगता है बर्फ पड़ने वाली। वो वाले लगते हैं, इधर देखो। ब्लोवर के सामने ठंडी में मजे ले रहे। देखो ये पूजा की थाली, ये ना सिंघोरा बोलते हैं इसको, ये ना शादी के टाइम पे मिलता है सबको, तो वो पूरे लाइफ टाइम संभाल के रखना होता है, हर पूजा में इसी का सिंदूर काम आता है ऑरेंज कलर का, तो हर शुभ काम में यही इम्पोर्टेंट होता है, इसको बहुत संभालना रहता है। तो ये हमारी पूजा की थाली, और ये वो चावल जो धो के सुखा के पिसवा लिए थे, और देखो सब ऐसे ढक के रखा है, अब पूजा के टाइम पे थाली हटा हटा के पूजा करेंगे। मम्मी रेडी हो गई और अब मम्मी सब तैयारी में फटाफट से जुट रही हैं क्योंकि मुहूर्त है चांद का। तो ये देखो ये वो वाली थाली जो मैंने बताई थी ना पूजे वाली है, वो मम्मी लेके जा रही हैं। और ये देखो ये हमारा टाइम पास चालू है, पूजा की पूरी तैयारी हो गई, और अभी तो चांद खैर हमें यहाँ से नहीं दिख रहा, पर हमने फोन किया था तो पता चला चांद निकल गया है। देखो आज हम आपको पूरा पूजा का विधि बताते हैं, अगर जैसे किसी को नहीं पता होगा। ये देखो ये काले तिल का ऐसे बनाना है, एक बच्चे के लिए चार बनाना होता है, और फिर गुड़ का बॉल टाइप बनाना होता है और एक पहाड़ टाइप ऐसा। मम्मी ने ये दो थाली रखी क्योंकि वो जैसे हमारा जो ननंद का बेटा है उसके लिए भी रखती हैं, पूजा कर लेती हैं तो इस तरीके से रखती हैं। और ये देखिए जैसे मैंने कहा था ना सिंदूर, तो ये सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे हमने दिया प्रज्वलित किया, अब इसको ऐसे कर दिया, ये देखो काला तिल लिया है, ये देखो ऐसा करवा चौथ में भी करते हैं ना, ये देखो
हाँ। ये देखो इस तरीके से चारों तरफ घूमा जाता है और हर एक राउंड के बाद ऐसे तिल लेते हैं और फिर बाल में पानी। करवा चौथ में भी ना लगभग लगभग ऐसे ही होता है हमारे इधर, थोड़ा ये वाला बाल वाला लेके ऐसे ही होता है, मेरी मम्मी करती हैं। ये देखो ऐसे तिल लेके, तो इतनी ठंडी है और उसमें से चार बार करते हैं। ये मम्मी का आखिरी राउंड है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, मम्मी ने स्वेटर भी नहीं पहना है। तो ये देखिए ऐसे कशौल, ये जो चावल दिख रहा है ना, इसका कल पूड़ी बनेगा, वही मम्मी खा के व्रत तोड़ेंगी कल सवेरे। पूजा हो गई हमारी, अच्छा अब आरती भी करना है। अब हम लोग हमारे मंदिर में आ गए और अब यहाँ पे भी पूजा करेंगे। देखो अब हमारी आरती पूरी हो गई। फिलहाल अभी तो ये व्रत रखती नहीं है, लेकिन पूजा करने के लिए, मतलब माथा जोड़ने के लिए, ये देख सकते हैं आप, पापा ने भी और ये इन्होंने भी पूजा कर ली है। पापा जी ने भी पैर छू लिए, मैंने भी धर लिया। अब मैं मम्मी को चांद दिखा के लाता हूँ। अब धीरे धीरे हम ये सब सामान अंदर ले जाएंगे और ये दीपक बाहर ही रहेगा।